हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ ऐसा चटपटा और मज़ेदार स्नैक्स शेयर करेंगे जिसे आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। पहले से बनाकर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, ठंडा भी ये बहुत ही अच्छा लगता है और घर पर रखे सिर्फ दो चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको मार्केट से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह का ब्रेकफास्ट हो या फिर शाम की चाय, या फिर आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। चलिए तो फटाफट से इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, आलुओं का छिलका उतार दिया है और हमने यहाँ पर ठंडे आलुओं का यूज़ किया है। तो आलुओं को हम ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें मैशर से मैश भी कर सकते हैं। आलू हम सभी के घरों में हमेशा रहता ही है। तो ये लीजिए, पूरा आलू हमने ग्रेट कर लिया है। अब एक पैन में 1 चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा तब इसमें 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे। साथ में चुटकी भर हींग डाल देंगे। अच्छे से जीरे को चटकने देंगे। अजवाइन आप इसमें ज़रूर डालिएगा, अजवाइन डाइजेशन का काम करता है। तो यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर हमने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को दरदरा कूट लिया है। इसको भी अच्छे से चलाते हुए हम भूनेंगे जब तक कि अदरक और लहसुन का कच्चा टेस्ट निकल ना जाए। तो इसको भी हमने अच्छे से भून लिया है, ज़्यादा इसे हम जलाएंगे नहीं। तो ये एक तड़का हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन। तो बेसन को हम इसमें डाल देते हैं और गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही बेसन को हम भून लेंगे। बेसन भी हम सभी के घरों में हर समय रहता ही है। तो गैस की फ्लेम लो है और 2 से 3 मिनट के लिए बेसन को हम अच्छे से भून लेते हैं। जैसे जैसे ये बेसन भुनेगा इसके हल्के हल्के से दाने पड़ते जाएंगे। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से बेसन हमारा भुन चुका है। तो अब इसमें कलर के लिए हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और 1/2 ही चम्मच इसमें हमने गरम मसाला डाला है। गैस की फ्लेम आप बंद कर दीजिएगा और मसालों को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बेसन इस समय गर्म है तो बेसन में मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। तो गैस की फ्लेम बंद है और इसे अच्छे से हम चलाते हुए 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे जिससे बेसन नीचे जले नहीं। तो बेसन हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब जो आलू हमने ग्रेट करके रखे थे उसमें इस बेसन को डाल देंगे और अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और खटास के लिए इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। और नाश्ता चटपटा बने तो यहाँ पर 1/2 ही चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे। तो यहाँ 1 चम्मच हमने नमक डाला है, नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा। बेसन इस समय गर्म है तो इस स्पैचुला से आलू और बेसन को मिक्स करेंगे और जब यह हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हाथ से इसको अच्छे से गूंथकर डो तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब इसको हम हाथ से ही मसलकर इसका डो तैयार कर लेते हैं। इस रेसिपी को हम बेसन और आलू से बनाकर तैयार कर रहे हैं जो कि हम सबके घरों में हमेशा होता ही है। तो आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये देखिए, डो तैयार हो गया। तो इसके अब हम 2 पार्ट कर लेते हैं और चकले पर अब इसको हम थोड़ा सा सिलेंडर का शेप दे देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पतला नहीं करेंगे इसको, थोड़ा सा इसको मोटा ही रखेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से बाकी का जो डो बच गया है उसका भी हम बना लेते हैं। तो ये देखिए, दोनों हमने मोटे मोटे से सिलेंडर बनाकर तैयार कर लिए हैं और इनको हम करेंगे स्टीम। तो यहाँ पर छेद वाली प्लेट पर हमने नाश्ते को रख दिया है। पानी गर्म होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था, प्लेट को पानी के ऊपर रख देंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम स्टीम होने देंगे। गैस की फ्लेम आप हाई रखिएगा। तो ये देखिए, 20 मिनट हो गए तकरीबन और नाश्ता बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो इसको अब हम उतार लेते हैं और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी आप इसे प्लेट से निकालिएगा। तो ये देखिए, नाश्ता ठंडा हो गया है और थोड़ा सा ये सख्त हो गया है।
तो अब इसके करेंगे हम पीस। तो एक प्लेट में इसको हम रख लेते हैं और इसके थोड़े से मोटे मोटे पीस ही हम करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा तला या मसाले वाला नाश्ता खाना पसंद नहीं करते हो तो आप इसे इस तरह से भी बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और पहले से बनाकर आप इसे 5 से 6 दिन तक स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इसी तरह से सारे पीस हम कर लेते हैं और ये देखिए कितने बढ़िया इसके पीस हो रहे हैं। देखने में ये जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में ये उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो ये देखिए बहुत बढ़िया नाश्ता बनकर हमारा तैयार हो गया। आज हम इस नाश्ते को फ्राई करेंगे जिससे ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे। तो तेल गरम होने के लिए कढ़ाई में हमने पहले ही रख दिया था। तेज गरम तेल में नाश्ते को हम डाल देते हैं। एक बार में जितना नाश्ता आ जाए आप डाल दीजिए और जब ये बढ़िया गोल्डन कलर के हो जाएं तब इनको हम निकाल लेंगे। तो बहुत जल्दी ये नाश्ता फ्राई हो जाता है और इसको हम तेज गरम तेल में ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए बहुत बढ़िया इन पर कलर आ चुका है और ये बिल्कुल भी तेल नहीं सोखते हैं। तो चलिए फटाफट से इनको हम निकाल लेते हैं और बाकी का नाश्ता भी बिल्कुल इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल पास से हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया नाश्ते पे कलर आया है और देखने से ही ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा लग रहा है। तो सारा नाश्ता बनकर हमारा तैयार हो गया। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में, शाम की चाय के साथ या छोटी मोटी भूख में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। फटाफट से बनकर ये नाश्ता तैयार हो जाता है। तो ये देखिए सुनी आपने आवाज़, कितना क्रिस्पी बना है ये। तोड़कर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऊपर से बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और अंदर से उतना ही सॉफ्ट। तो आपको आज की ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।